ये देखो मसाला तो इवन भरा हुआ है और क्रिस्पी भी अब की बार वाले। इन कीड़े के तड़के में बनाऊंगी इनको। और ऐसे मैंने ब्रेड रोल की रेसिपी में दिखाया था कि ब्रेड रोल में जो मैं ये सब्जी भरती हूँ तो ये बिल्कुल सिंपल सी सब्जी होती है पर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जो कच्चे आलू होते हैं या फिर उबाल के आलू डालते हैं उससे काफी अच्छी लगती है खाने में। उबले हुए आलू इतने अच्छे नहीं लगते जितने सब्जी बनी हुई अच्छी लगती है। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, कढ़ाई चढ़ा देंगे। दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। कोई भी तेल या घी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेल गरम हो गया, अभी आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और आधा चम्मच हींग। अब ये हींग जीरा पक गया है, अब एक चम्मच नमक, थोड़ा सा और, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच गरम मसाला। करीब 8-10 मिनट हो गई है, अब देख लेते हैं सब्जी को। सब्जी गल गई है, ये नाक में जल्दी गल जाती है ढक के रखने से। अब इसको स्मैशर से स्मैश कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। उधर वाली गैस पर मैंने मक्खन पिघलाने के लिए रख दिया है। अब मैं ये स्मैशर लेके स्मैश कर लेती हूँ सब्जी को। अब इसकी लाइट बंद हो गई है, इसका मतलब ये गर्म हो चुका है टोस्टर। और अब इसमें हम ये रखेंगे, ये पूरा इवन कर दो ब्रेड पे अच्छी तरह से, कहीं से भी कोना छूटना नहीं चाहिए। इसके ऊपर अब बटर लगा देंगे अमूल का। ये इसकी लाइट बंद हो गई है, इसका मतलब जितना हीट इसको देना था ये दे चुकी है मशीन। तो फ्रेंड्स देखो, सिक तो ये अच्छी तरह से गई है पर ज्यादा क्रिस्पी नहीं लग रही। फ्रेंड्स ये वाले क्रिस्पी हो गए, पहले वाले नहीं हुए थे। थोड़ा सा ज्यादा देर इनको सेकना होता है, ज्यादा देर रखना होता है इनको थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में मेरे को बताना कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। और आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।